में घोटा ना, क्या मिला उनको सीबीआई जांच में? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, उसका जवाब चाहिए हमें। कोई पूछने के लिए हमको करना है यहाँ पर? मोदी जी ने क्या किया? लोगों की नौकरियां खाने के लिए चलाई करके रोड बना के बैठा दिया। चाय बेचने वाले को कुर्सी नहीं, हमारी मांग है कि सीबीआई ने जो 14 घंटे की रेड मारी है उसमें मिला क्या? बाद में पता लगता है कि मनीष सिसोदिया जी के जो सर्दियों के लाल स्वेटर है उसके अलावा कुछ नहीं मिला। और ये सिर्फ तो सिर्फ शिक्षा की क्रांति जो अमेरिका तक ने उसको सराहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज में आ गया, ये उससे बौखला गए हैं कि ये अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो आम आदमी पार्टी आने वाले गुजरात और हिमाचल में जीतेगी। उनको रोकने के लिए ये सीबीआई का और ईडी का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। आज अगर आम आदमी पार्टी फैसला ले ले कि हमने गुजरात में नहीं लड़ना तो सीबीआई को भी ले जाएगी वो अपने साथ, ईडी को भी ले जाएगी, कोई जांच नहीं होगी। ये बौखलाहट है, मनीष जी की जो शिक्षा मॉडल है ये उससे बौखला गए हैं, जो ये अपने राज्यों में कुछ कर नहीं पा रहे और जो कर रहा है उसको रोक रहे। तो अब आगे क्या करेंगे? आगे बस यही पूछेंगे कि सीबीआई में इनको रेड में क्या मिला, वो पब्लिक भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं, पूरी दुनिया जानना चाहती है। अब तो मेरे को लगता है अमेरिका भी जानना चाहता होगा कि शिक्षा मंत्री जो पूरे विश्व में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है उसके जो रेड पड़ी थी, अमेरिका तक ये पूछेगा आने वाले टाइम में कि उसमें मिला क्या, इनको क्या मिला। हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारे मनीष सिसोदिया जी के यहाँ 14 घंटे सीबीआई ईडी बैठी रही, उनको क्या मिला हम जानना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा में क्रांति में उन्होंने इतना काम किया और फिर भी उनको इतना सताया जा रहा है। अगर उनको कुछ मिला है तो हम लोगों को बताएं ना। हम कार्यकर्ता ये जानना चाहते हैं कि ये 14 घंटे बाद उनको सीबीआई से क्या मिला, और ये बताना भी चाहिए, पब्लिक करना भी चाहिए कि 14 घंटे में वो क्या लेके आए। उनको किताबें मिली बच्चों का या सर्टिफिकेट मिला? क्योंकि बच्चों का सर्टिफिकेट 12वीं का अब देना भी है, तो अगर वो लेके गए तो हमें वापस भी करें ना। उनको क्या मिला ऐसा जो नहीं बता रहे हैं।